हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो डीजीपे का बैलेंस है वो वापस अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बहुत लोगों का कैश विड्रॉ करते हैं। देखिए, इसमें विड्रॉ का ऑप्शन है। सबसे पहला, अगर हमने किसी का कैश निकालना है, उसके लिए हमको उसका आधार कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट जो उसका बैंक है वो डालना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट भी लगता है विड्रॉ करने के लिए। दूसरा, डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट का ऑप्शन है। देखिए, इस पर भी यही सब कुछ डालना पड़ता है। और बैलेंस इंक्वायरी, तो जैसे किसी का बैलेंस चेक करना है, ये वो उसके लिए मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी की मिनी स्टेटमेंट चेक करनी है भी उसके खाते में कितने पैसे हैं। अब ये ऑप्शन है दोस्तों कार्ड एंड पिन का। अगर आपके पास एक डिवाइस और आता है जो कि जिसमें कार्ड इंसर्ट हो जाता है, इसको एटीएम बोलते हैं, इसमें कार्ड इंसर्ट करके आप किसी का भी बैलेंस निकाल सकते हैं दोस्तों, तो ये उसके लिए ऑप्शन है। अगर आप अलग से वो मशीन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन कार्ड एंड पिन उसके लिए। अब उसके बाद ऑप्शन है दोस्तों मनी ट्रांसफ़र का। मनी ट्रांसफ़र का दोस्तों, अगर आपने किसी के खाते में पैसे डालने हैं, ये उसके लिए। वॉलेट रिचार्ज, अगर आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना है, अपने खुद के वॉलेट में पैसे डालने हैं, तो दोस्तों वॉलेट में पैसे तो ऑटोमेटिक जब आप किसी के पैसे निकालते हैं तो आपके वॉलेट में आ जाते हैं। देखिए, मेरे 505 पड़े हैं, कल मैंने अपने वॉलेट में किसी की पेंशन निकाली थी 2,500 रुपये। ठीक है, मैं हरियाणा से हूँ, कल यहाँ पेंशन अनाउंस हुई है, तो कल मैंने किसी की पेंशन निकाली थी, तो मेरे इसमें 2,500 पड़े थे, जिसमें से मैंने 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए थे। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये वॉलेट रिचार्ज। और सबसे लास्ट ऑप्शन है पे आउट। ये देखिए पे आउट, ये दोस्तों किस लिए है, ये उस लिए है कि अपने डीजीपे के अकाउंट से आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं वापस, अपने डीजीपे के अकाउंट से आप पैसे वापस कैसे अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये उसके लिए है। अब आपने किसी की ट्रांजैक्शन करी, आपने किसी की पेंशन निकाली, वो तो आपके वॉलेट में आ गए ना, आपको तो उसको कैश देना पड़ेगा अपने एंड से, अपनी तरफ से उसको कैश देना पड़ेगा, बट आपके वॉलेट में आ गए। अब आप चाहते हो कि भाई मेरे वॉलेट में 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 ना पड़े रहे, मैं अपने वॉलेट में सिर्फ 1,000, 2,000 रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके लिए दोस्तों ये पे आउट का ऑप्शन है। इसमें आपको अमाउंट डालना है। देखिए, आपका ऑल बैंक नंबर, आपका बैंक डिटेल सब कुछ यहाँ मेंशन है। आपने अमाउंट डालना है, IMPS क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है और स्कैन एंड प्रोसीड करना है दोस्तों। ठीक है, इसको करने के बाद दोस्तों ये आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। ठीक है, जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पे ओके करेंगे, ये आपका जो पैसा आपने अमाउंट डाला 500 रुपये, ये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने डीजीपे के वॉलेट में ज़्यादा पैसे नहीं रखने हैं, मान लो 10,000 रुपये आपके डीजीपे के वॉलेट में पड़े हैं, पर आपको सिर्फ 2,000 रखने हैं, 8,000 अपने खाते में डालने हैं, तो यहाँ आपने आना है, 8,000 अमाउंट डालना है, IMPS पर क्लिक करना है और स्कैनर प्रोसीड कर देना है। 15-20 मिनट लगते हैं दोस्तों पैसे आने में, कल मैंने 2,000 करे हैं, 15-20 मिनट लगते हैं पैसे आने में, तो थोड़ी देर के बाद आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका है। इसके लिए दोस्तों फिंगरप्रिंट की मशीन लगा के रखना, क्योंकि जब आप स्कैन एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये फिंगरप्रिंट मांगता है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बिना फिंगरप्रिंट की मशीन लगाए, मेरे पास मंत्रा का स्कैनर है, मैं मंत्रा का स्कैनर यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसको बिना, उसको चलाए बिना ये आपका कुछ भी आपका पे आउट नहीं देगा, आपके खाते में भी नहीं डालेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अपनी फिंगरप्रिंट की मशीन लगा के ही इसको यूज़ करना दोस्तों, उसके बाद स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करना, आपका फिंगरप्रिंट मैच करेगा और आपके खाते में पैसे 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक है, ये पासबुक है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है भी, क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन करी है। ठीक है, ये सारे जो मेन्यूज़ हैं मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, किस किस लिए यूज़ होते हैं। तो अगर इसके बारे में दोस्तों आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बोले बताएं और मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और अगर मेरा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, मेरे को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। थैंक यू।